वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्लेवरी जैसा था, जो बॉन्डेड लेबर वाला युग था, वही एक युग था जो प्रिमिटिव युग था, जहाँ पे बहुत नाइंसाफी होती थी। और आज की डेट में हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे इंसान चांद पे तो दूर छोड़िए मंगल तक पहुँच चुका है। तो हमें सब कुछ आज की डेट में सब कुछ ठीक है, पर मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर 500 साल बाद हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी वो हम लोग को आज के टाइम में देखेगी तो वो हमें कहेंगी हम प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव मैं टेक्नोलॉजी की नहीं बात कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग को लगता है जब तक कोई फिजिकल असॉल्ट किसी पे ना हो तब तक सब ठीक है। हम लोग को ये लगता है किसी को चेनों से बांधा गया तो वो गलत है, किसी को हंटरों से पीटा गया तो वो गलत है, किसी के ऊपर ज़्यादती हुई है, फिजिकल ज़्यादती, उसको खाना नहीं दिया गया, उसको खराब खाना दिया गया, उसको भूखा रखा गया, ये गलत है। बट हम यहां भूल जाते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कह रहा हूं कि जैसे आपका फिजिकली आपको चीजें दिखती हैं, वैसे आपको चीजें मेंटली भी दिखनी चाहिए। मेंटली कि अगर आप किसी का मेंटली बलात्कार करते हैं, अगर आप किसी को मेंटली रेप करते हैं, अगर आप किसी को मेंटली एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर आप किसी को मेंटली ट्रॉमेटाइज करते हैं, अगर आप किसी को मेंटली मारते हैं, तो वो भी उतना ही खराब है जितना आप किसी को फिजिकली एब्यूज करते हैं, हंटरों से मारते हैं, भूखा रखते हैं, चेनों में बांधते हैं। बट ये वाली चीज आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड अनट्रेन्ड जजेस ऑफ इंडिया और कोर्ट जुडिशियली और जुडिशियल सिस्टम को समझ नहीं आया है। उनको लगता है जिसको फिजिकल असॉल्ट हुआ, भारी मार पड़ी, वही मेन है, जिसके साथ इंटरनली गलत हो रहा है, इंटरनली रेप हो रहा है, इंटरनली असॉल्ट इंटरनली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, उसकी कोई जगह नहीं है। और मैं आपको ये कह दूं कि फिजिकल असॉल्ट तो फिर भी हील हो जाता है, जैसे आपको पता है मेंटल असॉल्ट हील होना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो आदमी को पता नहीं होता, दूसरा अगर वो किसी को बोलता भी है, देखो भाई मेरे दिमाग के अंदर कितना स्ट्रेस भरा हुआ है, कितना डिप्रेशन है, कितनी एंजाइटी है, सामने वाले को कोई दिखता नहीं क्योंकि घाव तो दिखता नहीं, तो कहता है यार तू तो ऐसे ही हो रहा है। फिर कहीं जाके जब चीजें बैड टू वर्स होती है तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास या मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स के पास हम लेके जाते हैं। बट ये वाली चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट्स को और जुडिशरी जैसी बॉडीज को और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे लोगों को हम ये नहीं सिखाते, नहीं बताते कि जितना खराब फिजिकल असॉल्ट है उतना खराब इमोशनल असॉल्ट है। हम लोगों को, चाहे जजेस भी हो, वो जस्टिस किस बेसिस पे देते हैं? फिजिकल असॉल्ट के। गवर्नमेंट्स हैं, कहीं पे डेथ हो जाएगी, कहीं पे कैटास्ट्रोफी आ गई क्योंकि कोई मर गया या किसी को इंजरी हो गई, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसे वगैरह, ग्रांट्स, या ग्रांट्स इज अ रॉन्ग वर्ड, पैसे वगैरह उन लोगों को देती है। बट जिन लोगों के साथ मेंटल ट्रॉमा हो रहा है उनको तो गवर्नमेंट देखती भी नहीं। भाई क्यों देखेगी, कैसे देखेगी? देखना तो हमें आता ही नहीं क्योंकि हमें समझ ही नहीं है। हम तो सिर्फ बाहर की इंजरीज को देखते हैं, अंदर की इंजरीज को नहीं देखते। और अंदर की इंजरीज हमें पता है कौन सबसे ज्यादा पहुंचाता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, पुलिस वाले। और जब आदमी थका हारा जुडिशरी के पास जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है कि यार जुडिशरी तो इनसे भी खराब थी। पहले तो तारीखों पे तारीख मिलते रहती है, मिलते रहती है, मिलते रहती है, काम चलता रहता है, उम्मीदों पे काम चलता रहता है, पैसे जेब से निकलते हैं, और आखिरी में जब ऑर्डर मिलता है या इंटरिम ऑर्डर भी मिलता है उसमें आदमी की आँख खुलती है, भैया इससे अच्छा तो मैं पुलिस वाले थे, इससे अच्छा तो जो गवर्नमेंट का अफसर था जिससे मुझे समझाया था कि भैया कोर्ट वोट मत जाओ, वहाँ पे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वहाँ पे तो तुम्हें उस वो भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में, और ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो जो लेडीज, जो वुमेन हैं, वुमेन को कोर्ट्स, जजेस विक्टिम की तरह देखते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, और आदमियों को कस्टडी बच्चों की नहीं दी जाती, या आदमियों को पहले मान लिया जाता है कि भाई ये आदमी ही गलत होगा और जो औरत है औरत ही एक सही है, या उसमें इमोशंस हैं, चाहे वो औरत ने आदमी को कितना ही मेंटली ट्रॉमेटाइज किया हो,
और इमोशनली करा हो, उसको चीट करा हो, एडल्ट्री करी हो, वो सब चीज़ें उनको दिखती नहीं हैं। वो कहते हैं भाई 10 साल बाद अगर हमें दिखेगी, अगर हमें दिखेगी तो हम आपको बताएंगे, पर वो 10 साल उस आदमी के कहाँ गए, आपने जीरो कर दिए। तो मेरा यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, बहुत सिंपल है कि हम लोगों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि फिजिकल असॉल्ट इज नॉट द ओनली असॉल्ट, देर आर लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड वी नीड टू मेक दिस बगर जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस। और पुलिस वाले क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक स्ट्रेटा से आते हैं जहाँ पे उन बेचारों को ठीक से अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, जहाँ पे उनकी सोच ही इतनी पेट्रियाकल होती है कि उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, या तो वो अपनी नौकरी बचाने में लगे रहते हैं, या उनको जोनसी तारीफ, जोनसी साइड भारी लगती है उस तरफ हो जाते हैं, लेडी की साइड भारी लगेगी औरत की तरफ हो जाएंगे, आदमी की तरफ, क्योंकि उनका मकसद होता है अपनी नौकरी बचाना और कुछ नहीं। जजेस को आपने रखा हुआ है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो जजमेंट दे दी दे दी, आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते और वो चलते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें अगर आप हिंदुइज्म में भी, अगर ये कोई पार्टी बिलीव करती है, तो हिंदुइज्म में इस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए जहां पे एक दूसरे को ट्रॉमेटाइज ना किया जाए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे चीजों को देखा जाए और समझा जाए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।